नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कोटि कैवल्य दानी प्रभु जगन्नाथंकर कर्था कीर्तन आम करूछे। पूर्व अध्याय कलिजुगरे भक्त सहित भगवान भक्त प्रिय माधव कालिया सांत भक्त मानक सहित की लीला करिसेंती आमे श्रवण करूथिले। आजिर प्रसंग गंगाधर दास मु आजि आपण मानकु स्वागत करूछि ए महान प्रसंग को। पुरुषोत्तम क्षेत्र बरे प्रताप रुद्र समय रे गोविंदपुर बोली नाम ग्राम मानक मुख्य स्थान बणिया नामे गंगाधर सेही ग्राम रे तार घर भारीजा नाम तार श्रिया सती साध विस्वामी प्रिया पुत्र दुहिता तार नाही तही की सोचना न थाई से पत्नी पत्नी थांती एका करीण आपणा जीविका। भगवान अपूर्व लीला तेणु गोविंदपुर गजपति प्रताप रुद्रंकर शासन समय ठीक 1500 ख्रीष्टाब्दर कथा। तेणु भगवान श्री चैतन्य जेतेबेले श्रीक्षेत्र आविर्भाव होते ओडिशार पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम जितेबाला आध्यात्मिक जगत रे कवि प्रतिभा रे ओडिशा विमंडित थिले सही समय कथा। गोविंदपुर ग्राम कि ग्राम मानक भितर उत्तम से ग्राम रे बणिया कूल रे गंगाधर जन्म होते सती साधी पतिप्राणा स्वामी को समर्पिता स्त्री थिले श्रिया। तेणु भगवान गोटे विचार जे ये स्वामी स्त्री पुत्रकन्या नथिले जेतेबेले पुत्रकन्या नहांती ये दुख करती ना ये दुख कर परिवार निर्वाह करती किंतु जो सामाजिक गोटे व्यवस्था अच्छी जे पुत्रकन्या जार नथिबो तांको गोटे आंठुकुड़ी कहती आंठुकुड़ा आंठुकुड़ी मुह चाहिले काले अशुभ हुए यही कथा टिके तांको बाधे एवं से भगवान को ये कथा भी जनाती दुखटा जनाती सर्करा करी बिकी किणी सुखे जीवंती बेनी प्राणी नानादि कटु द्रव्य जेते से सुनी पिपली सहित करीण श्रीहरि भक्ति से बादयारे सुधमती पर दुखरे होई दुखी सेवंती साधु जन देखी एमते केते दिन गला वृद्ध बयस आसी हेला दिने कयन समय पत्रिता पति आगे कहे भो स्वामी सुण मो बचन लोके मुहेली निमान घर बाहर बंधु घाटे थोके बोलती हाटे बाटे पड़ुए आंठु कुड़ी मुख मुखटी प्रभाते न देख एमंत बोली थोके लोक ठिया न होती मोर पाख थोकाए कथा न कहती देखिले मथा पोती जाती एणु मरुदय आकुल खंडिले नाही आदि मूल आंबर भाग्ये पुत्र नाही लोड़िले पाई बाता काही नोहिले आपणा कूलरु अत्यंत दरिद्रर घरु किछि देइण ताकु बीत किणि जे आण एक सुत। स्वामी स्त्री कथोपकथन चलीसी ये सामाजिक व्यवस्था भितर जो आंठुकुड़ा आंठुकुड़ी मुह चाहिले अशुभ हुए ये प्रथाटा बहु कालरु प्राचीन कालरु चली आसुछंती तेणु बहु मन दुखरे श्रिया एवं गंगाधर थांती किंतु से दिन गंगाधर पाखरे स्त्री श्रिया अली कले कहले वृद्ध बयस है आमको तो किए गोटे पालब पोषव गोटे आधार दरकार गोटे कूलकूद गोटे पुओ दरकार पापत्र दब ये जो सामाजिक व्यवस्था तेणु सी कहले आम तो आदिमूल को जनइले प्रभु को जनइले आम भाग्यर तो ना तेणु आम कर्म कपाल तो ना तेणु ता आम दुख करवा अनुचित एवं भगवान पाखे अभिमान करवा अनुचित मुझ गोटे कथा कहूँ ये लोक मैंने जो आम को आंठुकुड़ा आंठुकुटी कहते मड़छी बोली कहते तुम्हें आम कूलर
कौन सी गोटे गरीब घर गोटे पुओ आम कि टंका दे किनी आनिबा किंतु आम कूलर गोटे पुत्र संतान किए दबापी राजी अच्छा और आम तर कि प्राप्य दबा यही कथा श्रिया स्वामी को आगे कहते पालीबा पुत्र सम करी एभव जलु हेबा पारी तरीबा पर पबादु सर्वे बोलिबे साधु साधु मो मने जोगाई ए कथा ता सुनी बोले निज भर्ता निश्चय आणीबा एक बाळ पुत्र से माने प्रतिपाळ एमंत बोली चली गला श्री पुरुष तो मे मिलिला प्रवेश रूप कार घरे किछि हिंदन देई तारे सर्वलक्षण पूर्ण जाणी कृष्ण प्रतिमा गोटी आनी आनी ता पत्नी आगे देला बसकी संभाल बोइला अपूर्व लीला कहले हौ तेणु आम कथा तो भगवान शुणिले ना मु जाउची आम कूलर आम गोत्रर गोटे पुत्र संतान कहार अधिका पुत्र थे गरीब लोक हो चल पार कि प्राप्य दे आणवि एक स्त्री सिया को कहीकि गोविंदपुर ग्राम से रखिदेकि पुरुषोत्तम क्षेत्र को चलिए भक्त गंगाधर गंगाधर जाई रूपकार घर जे चित्र प्रतिमा करती मूर्ति गढ़ती तेणु घर को जाई किसी अर्थ दे स्त्री तो कही क्या कि प्राप्य दे गोटे पुत्रटी आम घर को आण आम कूल को रक्षा करम दी की असहाय सहाय हम तो पापत्र दब तेणु से कथा जोबले सी कही ये जा कौन कले गोटे बाल मुकुंद मुरारी भगवान कृष्णकर जो आंठुआ गोपाल मूर्ति से रूपकार घर कि प्राप्य दे टा दे कहले गोटे एम सुंदर कृष्ण मूर्ति टे या दि आंठुआ गोपाल टी को मुक मो घरे पूजा करी मो घर दुख जनईबी आम तो दुईज जाक अपुत्रक अपुत्रिकी होगी अच्छा गाँ गहली पाख पड़सार साई पड़सार आम को तो निंदा भर्सना करुँचा आंठुकुड़ा आंठुकुड़ी आख्या दे तेणु तुम्हें ये कर सर्वलक्षण पूर्ण जाणी कृष्ण प्रतिमा गोटी आनी आनी ता पत्नी आगे देला बोसकी संभाल बोइला एटी गति ही मुक्तिदाता एटी जीवर करता एहाकु पुत्र बुद्धि करी जशोदा देवी गले तरी ब्रह्मादि सर्व देव गणे एहाकु भावु थांती मने एभिबु बिना अन्य जणे नाही जीवन उदाहरणे कहले प्रिय माँ जशोदा देवकी जन्म दे कि बंदीघर मूर्छिता होगले जेतेबेले तांकर चिता फेरिछंती से देखिले से बंदीघर उज्जवल होती शंखचक्र गदा पद्म धरिकी प्रभु चतुर्धामूर्ति नारायण ठिया होती लम्ब हो बाप माँ गोड़ तले पड़गले कहले प्रभु तोते तू रक्षा कर मात्र मु मनीष था मात्र तेणु मु तते कौन रक्षा करी मु तो बेड़ी पड़ी कि बंदीशाला अच्छी किंतु माँ कहले रे पुओ से दिव्य रूप परिहार कर मत से बाळमुकुंद मूर्ति मोर से छोटिया छुआ है जा भगवान से कथा जोबले तृतीया जुगरे माँ कौशल्या देखुंट पुओ जन्म हो कि से घरे पड़ती आम जात मान अंतुड़ी साल पड़ती से देखिले शंख चक्र गदा पद्म धारी सौम्य मूर्ति नमनीय कमनीय मूर्ति ठिया होती श्याम नव निरद निंदित तनुवरम नुआ मेघ को निंदा कला भाया श्याम शरीर भये प्रगट कुपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी कहले प्रभु तुम से रूप छाड़ी दियो मोर से टिकी पुओटी हो जा मो टिकी पुओ हो जा कौ टिकी पुओ हो रोदन ठाना प्रभु कांदिले कांदिले टिकी पिला जमी कांदती सेमती से कृष्ण जशोदा को मध्य अपुत्रिक दोष उद्धार कले पाले पोषिले आ तू कहीं व्यस्त होचु यही कृष्ण आमर पुओ यही कालिया आमर पुओ यही कन्हे आमर पुओ से आम को पोषिब ब्रह्मादि सर्व देव गणे एहाकु भावु थांती मने एभिबु बिना अन्य जणे नाही जीवन उदाहरणे एणु केवल हृदगते विश्वास सेव एक चिते बांछा बांछिबु तोर मन ताहा करिबे एहू पुनः ता शुणी आनंद सुंदरी कृष्ण प्रतिमा गोटी धरी स्नान मार्जना कराइले दिव्य आसने बसाइले उत्तम क्षीर
पान दे कृष्ण को भक्ति नवेद विचार कला तार मने पुत्र पाइली एते दिने एहांकु पुत्र भावे मणि सुखे तरीबु बेनी प्राणी ए मंत बोली आदि कंद से बीण होइले आनंद पुत्र प्राय निरंतरे तैल कुंकुम अंगरे मर्दन करी नीति नीति स्नान मार्जन से करांति कर्पूर चंदन सहित सर्वांगे लेपु थांति नीते नाना कुसुमे बेश करी नाना दि अलंकार भरी बालक ठारे स्नेह जते से ही प्रकारे स्नेह चिते जेते अपूर्व द्रव्यमान कृष्ण को करी निवेदन गाधे दियंती पुत्रवत से भगवान बोली भावुनांती सी गोटे पुओ गोटे जन्म होता पुओ भी भावुं भगवा भगवान को जी जो भाव डाके अभिराम परमहंस कहले दिन बंधु ए बंधु तुम्हें मोर जी जो भाव डाकि तुमको से ही प्रकार तुम्हें तारी इन तेणु से बाळमुकुंद मूर्ति की से गाधे जाती हलदी लगे दिंती अगुर लगे दिंती चंदन लगे दिंती क्षीर में गाधे दिंती मयूर चूलटे मुंडे बांधि दिंती टिकी टिकी काछिणी प्रभु को पिंधे दिंती नैवेद्य समर्पण करती से केवे भगवान बोली भावि ना से भाई आमर पुओ ये जी ब्रह्मादि देवगण को जे उद्धार कलावाला जे द्रौपदी कुंती को उद्धार कलावाला जे जशोदा नंद को उद्धार कलावाला जे देवकी वसुदेव को उद्धार कलावाला जे कंस को निधन कलावाला रावण को निधन करवाला तेणु सीए तो आमर दायित्व ने तेणु आमर कौन भाविवार अच्छी यही समर्पित हृदय से टिकी बाळमुकुंद मुरारी सेवा करिया एवं गंगाधर पछे भुंजती बेनी प्राणी नईले नहू न छुंती पाणी भगवान को आगे नैवेद्य देवे से टिकी पिला को आगे खुआई देवे तापर पानी स्पर्श करेंगे नतुआ से पर्यंत जल स्पर्श करती ना देखु ये बाप मार मन जो बात्सल्य स्नेह जो नवदा भक्ति रे ये जो भक्ति बात्सल्य भक्ति तेणु किए सखा रूप से पाई किए पिता रूप से पाऊँ किए पुत्र रूप से पाऊँ किए स्वामी रूप से पाऊँ कि जो बात्सल्य पुओ भगवान पुओ हो जाती भगवान दायित्व कारण बुढ़ा बुढ़ी अतिक्रांत बयस पदार्पण कले बाळमुकुंद मुरारी सेवा मार्जना कलापर स्नान शौच कराई प्रभु को नैवेद्य समर्पण करी से जल स्पर्श करती केन्दु कईथ बर कोली पन शशी फल कदी ग्राम को जिते विकास किण दिंती पुत्र पासे गाँ को आसुचला कोली कदी कईथ आंब एम डाब लकाम सब आसती गाँ को आम कई कई धान दे था टा दे था तेणु से जो गाँव को बिका आसती समस्त घर पिला माने चाउल नहीं बाकी पैसा नहीं किण के आती ये बुढ़ा बुढ़ी गंगाधर एवं श्रीया जाती से कोली बिका पा को कई बिका पा को कदमी बिका पा को सीटी किणती कि आणिक भगवान को समर्पण करती निजर पुत्र भाव में आज प्रसंग को यही रखा आगामी अध्याय पुत्र स्नेह पाली बाळमुकुंद को कि फल प्राप्ति हेले श्रवण करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध मोबाइल नंबर 8050604137 9337868 6850। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।